ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको योगनी एकादशी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों योगनी एकादशी बड़ी एकादशी होती है। योगनी एकादशी के दिन आपको कौन से उपाय करने हैं, कौन सी राशियां जो बेहद ही भाग्यशाली है, एकादशी को कई भगवान विष्णु की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना बाद में यह योग बना है। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करते समय भगवान जल में गंगा जल डाल कर स्नान करें। उसके बाद में सबसे भगवान शिव का सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ दे, फिर भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गाय के दूध में मिश्री डाल के बेलपत्र पर शहद लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए उन पर आपको शहद लगाना है, गाय का घी लगाना है। इससे भोलेनाथ और भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद में भगवान शिव का मनोकामना पूरी करेंगे, समर्पित कर देने। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सामने उसके बाद में आपको भगवान के सामने भगवान से प्रार्थना दीपक करके जलाना है और दीपक जलाएंगे और फल भगवान को दीपक जलाने समर्पित करने हैं। भगवान को फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, चीज अर्पण करें और शिव चालीसा का पाठ करें। एक धतूरे का फल, 11 गेहूं के दाने, इस दिन भगवान शिव की पूजा। ये काशी के दिन अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान के सामने दीपक जला जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का एकादशी के दिन घर के अंदर आपकी प्रत्येक हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह बनाने, इस दिन घर के अंदर मेन दरवाजे पर किचन में महिलाओं के मेन दरवाजे पर भी साफ रखनी चाहिए क्योंकि माता अन्नपूर्णा का वास होता है। साथ ही अंदर तिजोरी में जाकर पैसा वगैरह रखते हैं, वहाँ पर भी स्वास्थ्य चिन्ह तुलसी माता का पूजन करें। तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं और तुलसी माता को जल दें। पहले से टूटी हुई तुलसी माता को स्पर्श न करें। भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र पहनाएं, चंदन का टीका लगाएं और फिर केले का फल और तुलसी पत्र भगवान को समर्पित कर दें। तुलसी के गमले में फिर वहीं बैठ करके एकादशी की कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। ऐसा करने से आप दोस्तों यह उपाय बेहद ही चमत्कारी प्रभाव का भी विशेष महत्व होता है। आज के दिन गौ माता का पूजन करना चाहिए, बहुत बड़ा दिन है। गौ माता की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो एकादशी के दिन आपको यह उपाय जरूर करने हैं, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। पुत्र प्राप्ति तुलसी पत्र का विशेष भगवान ने स्वयं वर्णन किया। सालग्राम भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करेंगे, लौंग अर्पण करेंगे अपनी मनोकामना बोल करके, जिस प्रकार की प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाएगी। पुत्र की प्राप्ति हुई थी। मेष राशि तुलसी माता की पूजा करने के बाद में उनके सामने दीपक कर्क राशि तुलसी के पत्ते सिंह राशि कृष्ण को समर्पित करें। कन्या राशि ऐसा करने से धनु राशि मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कुंभ और मीन राशि एकादशी कथा का श्रवण, ये राशियां हैं और साथ ही जो इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है इन राशि वालों को करें, विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। सिर्फ फलाहार लेकर उपाय सभी राशि वाले घर में भी तामसिक भोजन जो भी अपनी इच्छा बोल कर उपाय करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, कोई भी भगवान को नैवेद्य अर्पण करेंगे, भगवान के सामने रखे हुए केले के फल और तुलसी पत्र खाएंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का, ओम नमः प्रत्येक मनोकामना पूरी जाप करें और हो सके तो इस दिन छोटा। दोस्तों एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत कहा गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक गृहस्थ तुला राशि एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। धनु राशि भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाले, सभी प्रकार के पापों का नाश भी हो जाता है और अगर कुंडली में कोई दोष है तो वो भी शांत हो जाता है। पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। परमा एकादशी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो उपाय मैंने आपको बताए इस दिन आपको वह उपाय आप जरूर करें। साधारण से उपाय प्रत्येक अगर आप व्यक्ति को ये उपाय करने चाहिए पूजन आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। किस्मत बदलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जरूर।